मुसीबत है यार, पूरा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। नो सर, सर हॉस्पिटल के हर पेशेंट हर स्टाफ से बात की, लेकिन किसी ने भी किसी को मंगर के रूम की तरफ जाते नहीं देखा। मयंक, मैंने भी जिससे बात की मुझको यही रिस्पॉन्स मिला है। इसका मतलब जो भी मंगर के कमरे में गया वो या तो स्टाफ का था या फिर कोई ऐसा इंसान जिसपे फौरन नजर ना जाए। एग्जैक्टली सर, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था। डॉक्टर साहब, मंगर की मौत कैसे हुई? उसके सलाइन बॉटल में जहर इंजेक्ट किया गया था जो कि सीधा उसके ब्लड स्ट्रीम में घुस गया। आई मीन डेथ बाय पॉइजनिंग इंस्पेक्टर, उसका मर्डर किया गया है। डॉक्टर, आप प्लीज एक डिटेल रिपोर्ट हमारी फॉरेंसिक टीम को भेज दीजिए। जी जरूर। सर, ये पेशेंट के कपड़े, ये पेशेंट के कुछ कपड़े हैं और उसके कुछ जरूरी सामान। आनंद। यस सर। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। ये खोलो एक मिनट, यहाँ खोलो। सर, सर ये तो उस टैक्सी का नंबर है जिसे मंगर ने उड़ाया था। देखा, और शायद ये पैसे उसको उसी काम के लिए मिले। ठीक है, इसको रख। ये क्या हो सकता है? दोनों इसको गौर से देखो। सर ये तो जैड लिखा है। लेकिन सर इसका मतलब क्या हो सकता है? मयंक, बिना मतलब इसको इतने संभाल के इस तरह लिख के पैसों के साथ कोई क्यों रखेगा? अस्ताद। यस सर। डोर चेक करो। यस सर। आदित्य, बैठो। सर, दरवाजा तो लॉक्ड है। सर, या इधर से भी कोई एक्सेस नहीं है। फिर हमें ऊपर से जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। किसी ऐसी चीज का इंतजाम करो जिसके जरिए ऊपर जा सके। कम ऑन, क्विक। विकास, सर वहां कुछ नहीं मिला। हर तस्वीर कुछ कहती है। जी सर। एंड यू नो आदित्य, इन सारी तस्वीरों को देख के साफ जाहिर होता है कि दीप्ति की पेरेंट्स दीप्ति से तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके आपसी रिश्ते में दरार थी। वरदान ज्वेलर्स की रसीद, डिलीवरी डेट 16 अगस्त 2011। और सर बैलेंस भी चुका दिया गया है। लेकिन सर घर पे तो कोई ज्वेलरी नहीं है। शायद साधना जी अपने साथ ले गई होंगी। बात ज्वेलरी की नहीं ऑफिसर्स,
बात 16 अगस्त 2011 की है, क्योंकि आखिरी दिन था जिस दिन साधना जी का फोन एक्टिव था। एक काम करते हैं, इस ज्वेलरी शॉप चल के देख लेते हैं, हो सकता है कि वहां हमें कुछ पता चल जाए। सर सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। देखते रहो भयंक, इस निशान का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा। सर सच कहूं, समुंदर में मोती ढूंढने के बराबर इस निशान का मतलब कुछ भी हो सकता है। सर क्या प्रोग्रेस ऑफिसर्स? सर ड्राइवर का मर्डर हुआ है, तो जहर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी टीम उसे गार्ड कर रही थी ऑफिसर। सर मैं तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया ड्यूटी पे सर, कसम से। कोई सुराग मिला? मिला है सर, लेकिन सुराग है या पहेली समझ में नहीं आ रहा सर। मैं इस निशान को पहचानता हूं। आप कैसे पहचानते हैं? 5 साल पहले कुछ मर्डर्स हुए थे, हर लाश के पास ऐसा ही निशान मिला था। आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। वेल, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन 2007 के डेटाबेस में मिलेगी। सर अभी चेक करता हूं। लुक, गौतम तुम्हारे पास सिर्फ 11 दिन है, किसी भी हालत में यह केस सॉल्व करना है। होगा सर, जरूर होगा। Make sure you do it. I will, sir. सर, एसीपी साहब ने सही कहा था। 2 दिसंबर 2007 से लेकर 2009 6 लाशें मिली थी और सबके पास यही निशान, लेकिन कातिल का कोई नामो निशान नहीं। ये तो कोई साइको मेंटल वेंटल लगता है सर। वो स्टोन मैन नहीं था सर, सीरियल किलर, उसी की तरह लग रहा है। नो, ये सीरियल किलर नहीं, ये कोई बहुत पहुंचा हुआ सुपारी किलर। सर ये कैसे बोल सकते हैं? और से देखो मैं, 5 विक्टिम्स अलग अलग तरह मरे, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं। लेकिन सर ये निशान, कई सुपारी किलर भी अपना निशान छोड़ जाते हैं, मानो उनकी कलाकारी का दस्तखत। सर कैसे पकड़ेंगे इस पेशेवर हत्यारे को? इस निशान के अलावा हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं। खबर नहीं है मयंक, पर अपने पास खबरी तो है। सर आज ही खबरी को चार्ज मारता हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर उगलेगा सर। जरूर, तुम ड्यूटी पर सो जाते हो, वो नहीं तुम्हारे सामने से निकल जाता है। तुम्हारा खबरी, क्या भरोसा है इसका? सर आपके लिए जैड का मतलब 0 हो सकता है सर, पर मेरा खबरी सर जैड का राज जरूर खोलेगा सर। गौतम मुझे एक बहुत अच्छा पीजी अकोमोडेशन मिल गया है, और मैं तुम्हारे लिए भी पूछूंगी, ठीक है? यहाँ की आंटी बहुत अच्छी है, मना नहीं करेंगी। अब अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। आंटी मेरा एक दोस्त है गौतम, उसे भी रूम की जरूरत है। आपके पास वो एक्स्ट्रा रूम है, उसे प्लीज दे दीजिए ना। लड़का बहुत अच्छा लड़का है आंटी, अब पुलिस ऑफिसर है। एक मिनट मैं बताती हूँ तुम्हें, तू इधर सांभ। वो कह रही है कि मैंने सुना, उस लड़के के लिए मना कर दो, मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस अफसर मेरी बेटी के इतने करीब हो। देखो बेटा, तुम्हारे लिए तो यहाँ जगह है, पर उसके लिए नहीं। प्लीज आंटी मैं आपको, तुम अकेली बस, और कोई नहीं। फिर तो मैं भी यहां नहीं रह सकती। थैंक यू। वो लड़का वाकई अच्छा है, उससे सीधा और शरीफ आदमी इस शहर में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे भी बुला लो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मैं अपनी मर्यादा को जानती हूँ,
और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं चलती हूँ आंटी। आपने तो कहा था कि वो लड़का आपको पसंद नहीं है। मुझे वो लड़का इतना नापसंद नहीं जितना कि मुझे मेरी बेटी पसंद है। मेरी दुनिया है वो, और मैं नहीं चाहता कि वो दर दर की ठोकरें खाए। उसकी यहाँ अच्छी तरह से देखभाल होगी। मैं उसे बेटी की तरह प्यार करूंगी, मुझे यकीन है। लेकिन ध्यान रहे, उसे कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर मेरा है और आप यहाँ सिर्फ इसकी देखभाल के लिए रखी गई है। समझ रही है ना? समझ गई। जी सर। 16 अगस्त को किसी मिसेस साधन ने आपके यहाँ से जेवर खरीदे? 16 अगस्त? ये तो 6 महीने पुरानी बात है सर। सर यहाँ तो दर्जनों लोग आते रहते हैं, तो कैसे याद रहेगा सर? अभी याद आ जाएगा। ये रसीद आप ही की है ना? सर ये रसीद भी हमारी है और सिग्नेचर भी हमारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि साधना जी भी आप ही की कस्टमर हैं। हो सकते हैं सर, लेकिन चेहरा याद नहीं है। चेहरा याद नहीं है, लेकिन आपके सीसीटीवी कैमरास को सब कुछ याद होगा। आदित्य सर, 16 अगस्त की जितनी फुटेज है सब कलेक्ट कर लो। चलो। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि साधना जी इस फोन कॉल के बाद ही टेंशन में आई थी। किसका हो सकता है फोन कॉल दी थी? No idea, sir. उन्होंने बताया था कि ये बैग्स लेकर वो कहाँ जा रही थी? नहीं सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा के पास इतने सारे बैग्स क्यों हैं। अगर वो कहीं जा रही होती तो मुझे पक्का बता दो। क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बता सके कि वो कहाँ जा रही थी? ऐसा कोई? हाँ सर, अरीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। मामा कहीं भी जाते तो उनके थ्रू ही टिकट्स बुक करवाती है, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। सलाम साहब, क्या प्रॉब्लम है साहब? अरे यार क्या बताऊं, स्टार्ट होने में इतने नखरे करती है कि मत पूछो। देखें क्या साहब, बड़े दिनों बाद याद किया। हाँ गठिया, एक खास काम है तेरे लिए। हुकुम करो साहब। है कोई जो सुपारी लेता है, तेरे को पता लगाना है उसका, और पक्की खबर चाहिए मेरे को। ये ले, इतना ही पता है हत्यारे के बारे में। अबे वो लटके देखना। ये तो एबीसीडी वाला जेड लगता है। हाँ वही जेड है। ये हत्यारा जब भी कोई खून करता है तो लाश के पास ये जेड निशान छोड़ जाता है। तुम्हें पता लगाना है कि ये जेड निशान वाला हत्यारा है कौन। क्या हुआ, कुछ पता चला? एक मिनट सर। सर साधना जी हमारी रेगुलर क्लाइंट है, सभी टिकट यहाँ से ही बुक होते होंगे। उनकी लास्ट बुकिंग क्या थी? जी एक मिनट सर, ये 6 महीने पहले की बात है। 16 अगस्त की रात को स्विस एयर से मुंबई टू ज्यूरिख बिजनेस क्लास का टिकट बुक करवाया था उन्होंने, लेकिन 16 अगस्त को उन्होंने दिन को ये टिकट कैंसिल करवा दिया सर, और 19 तारीख को उन्होंने फिर टिकट बुक करवाया, सेम फ्लाइट सेम क्लास। फिर सर 17 तारीख को उन्होंने ट्रेन का टिकट बुक करवाया था नासिक के लिए, और 18 का रिटर्न करवाया था एसी क्लास। विकास, स्विट्जरलैंड की टिकट कैंसिल करके नासिक गई ट्रेन से, और नासिक के अगले दिन 18 अगस्त को वापस भी लौट आई। पर अगर इतनी ही जल्दी थी तो वो ट्रेन से क्यों गई? डायरेक्ट फ्लाइट भी तो है नासिक के लिए। अच्छा 19 तारीख को स्विट्जरलैंड गई, कोई एड्रेस तो होगा आपके पास कॉन्टेक्ट करने के लिए? जी नहीं सर, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड गई नहीं सर। 19 तारीख को उन्होंने वो टिकट इस्तेमाल नहीं किया। उनसे हमने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात ही नहीं हो पाई। पहले स्विट्जरलैंड का टिकट कटवाया लेकिन वहां गई नहीं, उसके बाद नासिक की टिकट बुक करवाई लेकिन क्या वो वहां गई? और अगर गई भी थी तो क्या वहां से वापस लौटी?
कहीं ये साधना किसी तीसरी जगह पे तो नहीं है?